Hello everyone, my name is Muhammad Vakas Javed and today it is Saturday, 21st December 2019, and today it's a big day for all the freelancing community of Pakistan because aaj Jinnah convention Islamabad mein एक सीखो सिखाओ के नाम से एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें काफ़ी बड़े फ्रीलांसर्स जो है ना वो एज अ गेस्ट आएंगे। ये इवेंट सर हिशाम सरवर जो है ना उनकी टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। सुबह का टाइम है, काफ़ी ठंड है, मैं भी जो है ना इसी वजह से रेडी हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग है। और मैंने कहा कि आज मेरा इवेंट भी अटेंड करते हैं और आपको जो है ना दिखाते हैं कि फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है और कितने लोग हैं जो 9 to 5 जॉब से जो है ना वो तंग हैं। और इसके अलावा 9 to 6 की जो है ना वो टाइमिंग है और इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से सर अली दिनो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, जीएफएक्स मेंटोर जिनका जो है ना चैनल है वो आ रहे हैं। इसके अलावा आल्यान चौधरी जो फाइवर मास्टर चलाए जाते हैं पाकिस्तान में वो आ रहे हैं। इसके अलावा एसईओ से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड आ रहे हैं जो सुनने में आया है। और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं कराची से, पेशावर से, कोयटा से, मतलब हर जगह से लोग आ रहे हैं। मैं फेसबुक पे देख रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ना इस मौके को यूटिलाइज़ किया जाए और आज जो ना अपना पहली वीडियो शूट कर लीजिए और आपको दिखाया जाएगा जो ना फ्रीलांसिंग क्या होती है उन लोगों को जिनको नहीं पता। चले आज देखते हैं कि जाना क्या सीन्स हैं इवेंट के और कितना सीखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से लोग आए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई के डिफरेंट लोगों से बातचीत की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो जो है ना कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। तो चले तो मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। मेरे पीछे देखें आप जो ना जिन्ना कन्वेंशन है और जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है मुझे देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो है ना काफ़ी जो है ना ऐसे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी जो है ना ये फ्रीलांसिंग का जो इवेंट है इसमें को अटेंड करने आए हैं कि पता चले कि कैसे जो है ना वो जॉब छोड़ के अपनी जॉब जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ हैं जो है ना एक यंगस्टर ही हैं, उनसे बात करते हैं हम जो है ना। हेलो, वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे असल में मेरी फील्ड भी है बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स। मैं यहाँ पे इनका इमरान अली दीना साहब का इवेंट अटेंड करने आया हूँ और जो ग्राफिक्स और एनिमेशन ये मेरी फील्ड में है। और काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं जो हिशाम सर हैं, उनके अलावा जो गुरु के जो ऑनर हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, आप लोग काइंडली आप लोग भी इस चीज़ को अटेंड किया करें। ये बहुत बड़ी फील्ड है, मेरी एक क्लास फेलो है, उनकी सिस्टर लाखों रुपए कमा रही है फाइवर से फ्रीलांसिंग। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे हमारे पाकिस्तान का
और एक हमारे लिए एक अपना एक एक स्किल है हमारी ये, इससे हम अपने आप को और अपने घर वालों को किसी भी तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी फील्ड है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को अटेंड किया करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप क्यों जो है ना मतलब फ्रीलांसिंग को प्रेफर कर रहे हैं जो है ना, हालांकि आपके पास डिग्री भी है, आप जॉब भी कर सकते हैं जो है ना कहीं किसी जगह भी जो है ना, इस्लामाबाद में आप हैं, रावलपिंडी में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं जॉब की, लेकिन फिर भी आप फ्रीलांसिंग की तरफ जो है ना वो स्टेप इन करना चाह रहे हैं, क्यों, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि इसमें एक आपके पास फ्रीलांस का मतलब यही होता है कि उसके पास ना तो कोई टाइम होता है, ना उसके ऊपर कोई बॉस होता है, ना वो उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस होती हैं। बंदा घर बैठे लैपटॉप पे किसी भी चीज़ पे, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है फिर भी आप छोटे से लैपटॉप पे अपना काम एक कंपनी के लिए काम कर सकते हो। वो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप अपना अपने माइंड से अपने तरीके से रिसर्च करके और अपनी मर्जी से उसको काम करके देते हो, और ये बहुत अच्छा अपना एक इम्प्रेशन होता है जो आप डिज़ाइन करते हो। और लेकिन देखो जैसे आप जो ना कंपनीज में होते हो, आपके ऊपर बॉस की लिमिटेशन होती हैं, अच्छा आना जाना खर्चा, अच्छा जी मैंने इस टाइम जाना है। जो फ्रीलांसिंग में इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब मर्जी करके दे सकते हो। आप क्लाइंट और आपके दरमियान और कंपनी के दरमियान आपका जो ना लिंक होता है, कॉन्टेक्ट होता है, उसमें आप आपस में डिसाइड करते हो कि आप कैसे उसके उसको जो है ना काम करके दे रहे हो, कितने टाइम में दे रहे हो, ये इसमें ये बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो है ना आई होप के जो है ना आप इस इवेंट से काफी कुछ सीखेंगे। जो है ना मैं खुद जो है ना फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, फाइवर पे कर रहा हूँ, और मैं भी यही कहूंगा कि जो ना आप ये अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। सर हिशाम सरवर वो भी काफी जो है ना एक्सपीरियंस है, ठीक है, डिजी स्किल पे उनके कोर्सेज हैं, आपने देखे होंगे, तो काफी लोगों को फायदा हुआ है। पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले अगर देखा जाए तो कोई भी जो है ना इतना ट्रेंड नहीं था इसका, लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा टर्नओवर मैंने देखा जो है ना फ्रीलांसिंग में। चले जी, बेस्ट ऑफ। ये 2 भाई और आए हैं, ये काफी दूर से आए हैं, तो मैंने कहा इनसे जरा जो है ना पूछ लिया। जनाब जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अदनान खान है और मैं बनू से आया हूँ। और आपका नाम? जकाउर रहमान है, मैं भी बनू से आया हूँ। अच्छा सर, किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? बस फ्रीलांसिंग सीखने, यहाँ पे जो सेशन हो रहा है, हाँ फर्स्ट टाइम है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक नई लाइफ, एक नई स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे थोड़ा ये बताएंगे, जो आप बनू से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, यहाँ पे कहाँ स्टे कर रहे हैं, क्या मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना काफ़ी होता है जो ना मसला होता है, लोग कहते हैं यार हम दूर से नहीं आ सकते, तो मैनेज करना पड़ता है ना। कैसे कैसे आप आए, थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड बताएं थोड़ा सा। बस हमने वो देखा फेसबुक पे, अच्छा फॉर्म फिल किया। और कब आए आप लोगों ने? हम कल आए, तकरीबन 7 घंटे का सफर पड़ता है टोटल रास्ता, जैसे रोडों पे भी सड़कों पे भी काम जा रही है, बिल्कुल तो मुश्किल तो थी, लेकिन अभी यहाँ पे कहाँ पे स्टे कर रहे हैं? फैजाबाद में। फैजाबाद में आप सही स्टे कर रहे हैं, तो कल इसलिए आए कि थोड़ा फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो सुबह हमने सेशन अटेंड करना था, तो एक्साइटेड भी बहुत है, मजा आ रहा है बहुत, फर्स्ट टाइम भी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टीचर सर भी आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आप जो ना क्यों फ्रीलांसिंग में इतने लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, खास करके नौजवानों का? वैसे तो बेसिक हमारा लाइन कंप्यूटर साइंस का भी है, मैंने एमएससी मास्टर कंप्यूटर साइंस किया है, MCS, तो ये हमारे जूनियर है, वैसे लाइन भी हमारा ये, तो ये पार्ट टाइम जॉब भी मतलब लोग कर सकते हैं ना, मेरा खुद की जॉब भी है यूनिवर्सिटी में, इजी भी है, ट्रस्टेबल भी है, इंटरेस्टेड भी है। नहीं वो क्रेज क्या है जो ना, शौक क्या है जो ना, जो लोग जो ना ज्यादा, मतलब मैंने इतनी ज्यादा लोगों को यहाँ पे देखा है, तकरीबन कोई हजारों की तादाद में लोग अभी अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे सुबह आप आते तो इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ तक लाइन थी, अब तो अभी आप थोड़े से लेट आए हो तो क्लियर हो गए। तो क्या वजह, मतलब ये तो ठीक है जी आप जो ना पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, लेकिन कुछ और भी ऐसा होगा आपने सुना होगा लोगों से? कंप्यूटर लाइन के साथ हमारे काफी इंटरेस्ट भी है, शौक भी है ऐसी चीजें सीखने का, और जो ज्यादा टाइम हमें मिलता है एक्स्ट्रा, हम मूवीज वगैरह पे वेस्ट करते हैं ना, तो सोचा कि क्यों ना ऐसा काम कर ले कि जिससे दूसरों का भी भला हो और अर्निंग भी हो, और अर्निंग भी हो, बिल्कुल हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीनियर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, जो है अल्लाह करे आप जो ना काफी कुछ सीखे, और मैं आपको यही कहूंगा कि जो है ना मैं खुद 2 साल से कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना हर बंदा ही फ्रीलांसर है।
अच्छा जी, हमारे साथ एक और जो है ना यंगस्टर हैं, इनसे पूछते हैं जो है ना कि ये यहाँ पे क्या करने आए हैं, सीखो सिखाओ में। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सैमसन है। अच्छा, तो मैं यहीं से लोकल हूँ, इस्लामाबाद से। सही। तो फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ, एक ऑर्डर मेरा अभी तक हुआ है कम्प्लीट। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये थोड़ी सी हिस्ट्री अपने बताएं, कहाँ से आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, कहाँ से आपको पता चला, कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, कुछ ये थोड़ा सा बताएं हमें। बस यही, मैं यूट्यूब से ही देख रहा था, तो एक दोस्त ने मुझे बताया ये डीजी स्किल्स का। सही। वहाँ से फिर हिशाम साहब। सही। काफी चीजों का फिर पता चला। अच्छा अच्छा, तो ये क्यों लोग फ्रीलांसिंग को जो है ना वो प्रेफर कर रहे हैं, मतलब जो है ना आम जॉब के मतलब लिहाज से? प्रिंट इस्लामाबाद में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, हालांकि हर जगह डिजाइनर चाहिए भाई, ये बंदा चाहिए, लेकिन लोग उसको प्रेफर नहीं कर रहे फ्रीलांसिंग। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो फ्रीलांसिंग में यू आर योर ओन बॉस, आप किसी के अंडर नहीं काम कर रहे, आप नौकरी नहीं कर रहे, आप एक तरह से बिजनेस भी इस तरह आगे इसको डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लिमिट्स नहीं है। सही। फवायद तो काफी सुनने को मिलते हैं, पेमेंट अच्छी मिल जाती है, ठीक है, आप अपने बॉस हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात भी होती हैं फ्रीलांसर को। आप क्योंकि अभी आपने स्टार्ट लिया, आप बताएं क्या मुश्किलात होती हैं जो ना जो एक फ्रीलांसर को फेस करनी पड़ती हैं, उसको आप अगर जो आपको देख रहे हैं लोग उनको आप जो है ना वो एक एडवाइस देना चाहेंगे? मुश्किलात तो हर काम में होती हैं, फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारी मुश्किलात होती है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना काम करना चाहिए तो होता जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है वो सब्र होती है, क्योंकि मैं खुद भी जो ना फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो आपको एकदम ऑर्डर्स नहीं आ जाते, एकदम थोड़ा टाइम लगता है। आप किस स्किल पे काम कर रहे हैं? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे। ग्राफिक डिजाइनिंग पे, तो आप मतलब आपने किस तरह सीखा, कहीं इंस्टीट्यूट से सीखा, यूट्यूब से सीखा, कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखे भाई, मैंने भी यूट्यूब से सीखा है, ये हिशाम साहब सिखा रहे हैं और भी बहुत सारे, एक तो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो क्या, इमरान अली दीना साहब, जीएफएक्स मेंटर, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। अब यूडीमी से खरीद ले, थोड़ा सा इन्वेस्ट भी तो करे ना अपने ऊपर। इवन फ्री के यूडेमी से भी मिलते हैं, न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं वो फ्री भी मिलते हैं, आप जाए। सही बात। यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, ठीक है, आपके पास काफी ज्यादा जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि जो ना आप काफी कुछ आपको सीखने को नया मिलेगा इंशाल्लाह।